अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल देसी फूड हब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। असल में मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे चोट लग गई हुई थी, इसलिए लेट वीडियो डाल रही हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले, देसी गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत कम कम लोग बनाते हैं, मगर ये है कि ये बहुत टेस्टी बनते हैं, इसलिए इसकी रेसिपीज कम ही देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ। इसके लिए हमें चाहिए गुड़, चावल और फूड कलर, येलो कलर का फूड कलर चाहिए, और 5-6 से 7 इलायची, छोटी इलायची, और कोपरा और ऑयल। अब इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चावल, 2 किलो गुड़ और हाफ टी स्पून फूड कलर और तकरीबन 200 ग्राम खोपरा है। वो अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना वो आपकी मर्ज़ी, और 1 बाउल ऑयल। अब चावल मैंने 2 किलो लिए, मगर ये है कि जब 2 किलो को पानी के साथ नापेंगे तो पानी तो तोल नहीं ना सकते, इसलिए फिर मैंने उसके ये किया कि मैंने उसको नाप लिया। नाप के ज़ाहिर है चावलों के अकॉर्डिंग डबल पानी डालना होता है, तो मैंने इसको नाप के मगे के साथ फिर इसका पानी डाल दिया, और हम मैंने वो पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है, के ऊपर रख दिया हुआ है। नाप के इसमें डाला था पानी, और अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हम इस पानी में गुड़ डाल देंगे। शीरा बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए ये गुड़ इसमें डालेंगे हम लोग। ये देखें, ऐसे जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी फिर इसको छन्नी के साथ छान लेते होते हैं, क्योंकि गुड़ में ये फ्रेश बनता है ना, इसलिए इसमें छोटे छोटे ज़र्रात वगैरह होते हैं, इसलिए इसको छानना ज़रूरी होता है। इसको बाद में छन्नी के साथ अच्छे से हम लोग छान लेंगे, और पानी को थोड़ी देर रखेंगे तो उसके नीचे वो जो ज़र्रात वगैरह वो बैठ जाएंगे, और उनको हम वेस्ट कर देंगे ताकि हमारा साफ़ सुथरा सा साफ सुथरी सी चाशनी तैयार हो जाए। ये चावल आज मैं बेसिकली तकसीम करने के लिए बना रही हूँ, एक मदरसे में भिजवाने हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये चावल आज उनके लिए बना रही हूँ, और उनके लिए बनाकर ये वहाँ भिजवाऊँगी ताकि वो बच्चे खाएं और खुश हो जाएं। जी ये देखें फ्रेंड्स, अब इसमें हम पतीले में ऑयल डाल देंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, उसे हमने भूनकर साफ करके रख लिया है, और अब हम इसमें ऑयल डाल दिया हमने। और ये देखें, ये 5 से 6 इलायचियां हैं, इनको तोड़कर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। जी अब देखें, अब ये घी बिल्कुल फुल गर्म हो चुका है, और इलायची भी थोड़े से बबल्स इलायची इसमें बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि घी फुल फुल तैयार हो गया, कि अब हम इसमें अपनी चाशनी ऐड कर दें। बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बहुत छींटे उड़ते हैं इससे, और बहुत ज़्यादा गर्म गर्म घी में जब पानी डलेगा तो छींटे उड़ेंगे, तो अपन टेक केयर प्लीज़। ये देखिए, अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात से डालिएगा पानी इसमें। देखिए हमने अब चाशनी ऐड कर दी इसमें, और
ये सारी चटनी हम इसमें डाल देंगे। अब डाल के इसको हम अब थोड़ी देर के लिए 3 से 4 बॉयल आने तक, यानी 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। आप देखें, अब हम लोग चावलों में, इस चाशनी में चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने पहले से साफ करके भिगो के तैयार करके रखे हुए थे, अब हम इनमें चावल अपने ऐड कर देंगे। रहमान रहीम, इसमें चम्मच चलाएं। ये देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मजे के और बहुत खूबसूरत शक्ल वाले चावल तैयार होंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के ढक देंगे। देखें, ये इसमें हम चम्मच चलाएं और इसको चावलों को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने ये कोपरा ऐड कर दिया है, गरी, ये देखें। अरे, अब थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसे अभी और पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये पानी खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको दम पर लगा देंगे, 5 से 7 मिनट दम पर रखेंगे इनको। ये देखें रहीम, अब ये देखें, हम अपने चावलों का दम खोलते हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले और खूबसूरत से और मज़ेदार से चावल तैयार हुए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब ये डिश आउट कर दिए हैं मैंने चावल, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये डिश ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हों या कोई राय देना चाहते हों तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।